अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुगलाई एग कोरमा। ये बनाना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर ले ली हूँ कैशूनट तकरीबन 15 अदद, एक बड़ी प्याज कटी हुई और हरी मिर्च, जैसे आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लें। अब मैं इन सबको पीस लूँगी, फिर यहाँ पर मैं तेल में डालूँगी कुछ गर्म मसाले, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा भून लें, फिर मैं डालूँगी इसमें पिसे हुए मसाले और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। फिर इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक अपने स्वाद के मुताबिक डाल दें। सबको अच्छे से मिला लें, इसके बाद ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख दें। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच दही फेटी हुई और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप ये ज़रूर बनाइए। इजी भी है और टेस्टी भी है, झटपट बनकर तैयार होती है। इसके मसाले को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तेल ऊपर आ चुका है, यहाँ हमारा मसाला रेडी है। इसमें कसूरी मेथी डाल दें, हल्का रोस्ट कर डालें, इससे खुशबू और अच्छी आती है। साथ में गरम मसाला पाउडर भी डाल दें। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी आप अपने हिसाब से डालिए क्योंकि पकने के बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। फिर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी फ्रेश क्रीम, ये तकरीबन 100 ग्राम है, मैं पूरा डाल दूंगी। यहाँ पर एग डालने वाला वीडियो मुझसे मिस हो गया था, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो आप बॉयल एग को तेल में फ्राई करके इसमें डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। ये हो गया आपका रेडी मुगलाई एग कोरमा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।